तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं पहले जहाँ पर एयर होता है तो एयर के पास कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे फ्रिंज विथ बीटा का क्या फार्मूला होता है बीटा होता है लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी तो अगर तुम सबसे पहले एयर था फिर एयर से हमने क्या कर दिया वैक्यूम कर दिया ठीक है तो जो किसी मीडियम में किसी भी मीडियम में जो लेमडा होता है वेव लेंथ तो जो लेमडा होता है उसकी वैल्यू लेमडा डैश लेमडा इन अपन म्यू के इक्वल होती है ठीक ना अब अगर यहाँ लेमडा अगर तुम एयर में देखोगे लेमडा एयर तो लैमडा और म्यू ऑफ एयर आ जाएगा और लैमडा यहाँ से ए लेमडा वैक्यूम है तो लैमडा जब जैसे ही एयर हटा दोगे एयर अगर तुम रिमूव्ड कर दोगे एयर रिमूव्ड कर दो तो जो म्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो म्यू डिक्रीज हो जाएगा तो लेमडा जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बात समझ में आया अगर म्यू की वैल्यू कम होगी तो लेमडा बढ़ेगा और बीटा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अगर लैमडा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बीटा की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी मतलब फ्रिंज की जो ब्राइटनेस है जो बैंड है फ्रिंज वीट वो इंक्रीज होगी लार्जर बैंड लार्जर वीट की होगी मतलब डी ऑप्शन अपना सही बैठ जाता है थैंक यू